आईफोन 14 प्रो मैक्स लगभग 1.5 लाख रुपए में मिलता है, लेकिन यही मोबाइल इंस्टाग्राम पर आपको मात्र और मात्र 499 में मिल जाएगा, यानी कि 449 रुपए में ये मोबाइल आप इंस्टाग्राम से बाय कर सकते हैं। दोस्तों मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये चीजें इंस्टाग्राम पर हो रही हैं और लोग वहां से बाय भी कर रहे हैं, हजारों लोगों ने बाय किया है वहां से, आप भी कर सकते हैं। तो चलिए, कहाँ पे मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, मैं सब कुछ बताऊंगा और क्या आपको ये मोबाइल बाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, इसी टाइप की वीडियो देखनी है तो ठीक है। आपको समझ में आएगा लास्ट में वीडियो के कि मैं आखिर ऐसी वीडियो क्यों बना रहा हूँ, कभी मैंने ऐसी वीडियो बनाई नहीं है। और फ्रॉड के ऊपर तो मैं पूरा जम के बरसता हूँ, उनकी पूरी ऐसी की तैसी करके रखता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो मैं अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या वाकई में ऐसा कुछ हो भी रहा है, 499 में मोबाइल आईफोन 14 प्रो मैक्स मिल भी रहा है या फिर नहीं। तो सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम में आ चुका हूँ, अपनी यहाँ पे स्क्रीन पास में लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ ठीक है पोस्ट सेव करके रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहली पोस्ट है द बिग बिलियन डे नाम से, यानी कि फ्लिपकार्ट की है, और यहाँ पे मोबाइल सेल मात्र 459 रुपये में, ठीक है। और दूसरी पोस्ट यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो आईफोन 14, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लिपकार्ट का ऊपर लॉगो लगा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली 499, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप और चीज़ें देख सकते हो, एक और यहाँ पे सेल लिखी हुई है और यहाँ पर भी 499 रुपये लिखा हुआ है और आईफोन 14 बेच रहे हैं। अब मैं यहाँ पे जो ऑर्डर नाउ है इस पर क्लिक करता हूँ सिंपली, और क्लिक करने के बाद आपको दिखाता हूँ क्या वाकई में ये मोबाइल मिल रहा है। लेकिन मिल तो रहा है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ बहुत सारे लोग बाय कर रहे हैं, मिल रहा है सभी को। तो मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है आईफोन 13 प्रो मैक्स, ठीक है, और इसकी कीमत यहाँ पे 479 रुपये है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसको अगर मैं बाय करना चाहूँ तो सिर्फ और सिर्फ 479 रुपये में बाय कर सकता हूँ, मज़े की बात है दोस्तों। और इतने सस्ते मोबाइल इंस्टाग्राम पर आपको मिल रहे हैं, और वो भी फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर। आप देख लो, ये फ्लिपकार्ट की ही वेबसाइट है, आप फ्लिपकार्ट जाकर ओपन करना, उस पर भी यही वेबसाइट है और यहाँ पर भी यही वेबसाइट है। तो अब आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, सभी जितनी भी मैंने पोस्ट आपको तीन पोस्ट दिखाई, तीनों पोस्ट पे यही सेम वेबसाइट ओपन होती है। और उसके बाद यहाँ पे आप जाके देखोगे तो यहाँ पे देख लो आईफोन 14 प्रो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आईफोन 13 प्रो मैक्स है, ठीक है, और 256 GB स्टोरेज के साथ ये आपको मिलेगा। इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1,39,421 रुपये है, लेकिन अभी ये आपको इतने में मिल रहा है 479 रुपये में। और ये जो ऑफर है वो एंड होगा 47 मिनट और 37 सेकेंड में। अब आपको तो लगेगा कि यार ऑफर खत्म ना हो जाए, मैं जल्दी से बाय कर लूँ, क्योंकि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर ये सेल हो रहा है। और नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। चलिए मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ, और जैसे ही मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मेरी डिटेल डालने के लिए बोला जा रहा है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही प्रोसीड टू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो मैंने डिटेल डाली नहीं, और उसके बिना ही मुझे इसने आगे रीडायरेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर ये बता रहा है कि ऑफर एंड हो रहा है 9 मिनट और 53 सेकेंड में। स्कैम, देखिए ये स्कैम हो रहा है आपके साथ, रियल में ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट नहीं है। अब ये देखो 9 मिनट में आपको क्या लगेगा, आप जैसे आपको वैसे ठीक है मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको पता है मैं इस टाइप के लोगों की तो पूरी बैंड ही बजा देता हूँ। तो आपको पता होगा कि अब यहाँ पे देखो ये 9 मिनट इसलिए दिखा रहा है ताकि आप जल्दी से इसको बाय करो। ये पेमेंट जो ये बता रहा है 479 रुपये, ये आप जल्दी से इनको पे कर दो, आप इसी लालच में आओगे कहीं ऑफर खत्म ना हो जाए और मुझे ये जो मोबाइल लाखों रुपए का मोबाइल है वो मुझे 300-400 रुपये में या 500 रुपये के बीच में मिल जाएगा, ठीक है। आप इसी चक्कर में फिर क्या करोगे कि इसको बाय करोगे, और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं कि कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है ना, तो भाई वो दबा देते, चलिए इसको भी क्लिक कर देते। तो यहाँ पर देखो ये क्लिक ही नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी बात। और यहाँ पर लिख दिया है कि कोविड की वजह से ये ठीक है हमने बंद कर रखा है, ऑनलाइन ही हम पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, और फ्लिपकार्ट पर भी ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है कि फ्लिपकार्ट अभी कैश ऑन डिलीवरी ले रहा है लेकिन ये नहीं ले रहा है, और यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट आप कोई भी किसी पर भी क्लिक करो क्लिक हो जाएगा। और मैं अगर यहाँ पर प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर दूँ तो ये मुझे अपने जो मोबाइल में जो पेमेंट गेटवे होते हैं जैसे फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, भीम, UPI जितने भी है उन पर रीडायरेक्ट कर रहा है कि वहाँ से आप इसको पेमेंट कर दीजिए। अब मैं अगर पेमेंट कर दूंगा तो उसके बाद क्या होगा वो चीज़ें अब आप सुनिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले दिखाता हूँ तो ये वाली ये पोस्ट है, सेकंड पोस्ट ये है और थर्ड पोस्ट ये है। मैं क्लिक करता हूँ तो देखो वेबसाइट सारी की सारी अलग है लेकिन फ्लिपकार्ट की जैसी ही दिखाई दे रही है। आप एक चीज़ गौर करना, थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूँ, मुझे पता है 5 मिनट का लगभग वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है और मैंने चीज़ें जितनी थी वो सब कुछ बता दिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए ऊपर लिखा है फ्लिपकार्ट लाइट एक्सप्लोर प्लस, यानी कि ये फ्लिपकार्ट की ही वेबसाइट है, हम सभी को तो ऐसा ही लगेगा। और यहाँ पर फ्लिपकार्ट का ही लुक दिया है पूरा वेबसाइट को। अब यहाँ पर अगर इसका डोमेन देखेंगे आप, यहाँ पे गौर करेंगे, मैं थोड़ा जूम करके लगा दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फेस्टिवल सेल XYZ ये डोमेन, और फ्लिपकार्ट का क्या है फ्लिपकार्ट .com।
तो ये देखो डोमेन में फ़र्क है, सीधी सी बात है दोनों में। तो डोमेन यहाँ पे फेक है, और सबसे पहले तो आप इस चीज़ को देख लीजिए, फ्लिपकार्ट की तरह लग रही है लेकिन डोमेन इसका फेक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये स्कैम कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये पेमेंट इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट डाल रखे, आप वहाँ पर जाएंगे इनको पेमेंट करेंगे, और जल्दी के चक्कर में बहुत सारे लोग यहाँ पे देखो इन्होंने सेल भी डाला है और टाइम भी ऑफर टाइम भी दे रखा है, तो लोग क्या करते हैं फटाफट पेमेंट करते हैं, और फटाफट पेमेंट करते हैं तो इनके पास पैसा चला जाता है, उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट कभी नहीं आता, ये लोग पैसा लेके भाग जाते हैं, आपको कोई रिप्लाई नहीं, आपका कोई जवाब नहीं, आप इनसे कॉन्टैक्ट भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अगर उल्टा आप पुलिस में कंप्लेंट करने जाएंगे तो पुलिस वाले कहेंगे आप ऐसी वेबसाइट पर क्लिक ही क्यों करते हो, और ये लोग अब हमें नहीं पकड़ाएंगे, आप वापस चले जाओ, कोई मतलब नहीं है शिकायत करने से, कंप्लेन करने से, ठीक है। ऐसे जवाब बहुत सारे सुनने को मिलते हैं, तो ये चीज़ है। और यहाँ पे वेबसाइट फेक है लेकिन फ्लिपकार्ट का ही डुप्लीकेट किया गया है, एक बात ध्यान रखना, फ्लिपकार्ट भी इस चीज़ की तरफ ध्यान दे तो शायद ये फ्रॉड रुक सकता है। बाकी पुलिस वाले वगैरह इस तरीके के लोग जो काम करते हैं फेक वेबसाइट बनाते हैं उनको पकड़ते हैं। अभी आए दिन राजस्थान में, अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने एक न्यूज़ देखी थी, उसमें एक बंदे को पकड़ा है, 250 से ज़्यादा वेबसाइट, 250 से ज़्यादा वेबसाइट अलग अलग कंपनी की फेक वेबसाइट बना के वो साला के पैसा ऐट रहा था, और हर घंटे वो 10 लाख से भी ज़्यादा की कमाई कर रहा था, ठीक है। तो ऐसी भी न्यूज़ आ चुकी है, तो ये चीज़ें पुलिस वाले भी अपना काम कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन अगर आप फंसते हैं तो फिर पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आपका पैसा नहीं ला पाएंगे। अगर इस तरीके से आप बचना चाहते हो तो एक चीज़ ध्यान रखिए, एक चीज़ नोट कीजिए कि सबसे पहले तो जिसकी प्राइस लाखों रुपये में, वो कभी भी आपको हज़ारों रुपये में तो मिलेगा ही नहीं, ये गारंटी है, ठीक है। जिसकी प्राइस अगर आपको लगे कि ये प्राइस इसकी इतनी है और ये इतना सस्ता क्यों दे रहा है, तो आप सबसे पहले तो उसको समझ लीजिए कि वो एक, ठीक है, फ्रॉड कर रहा है, एक चीज़ तो ये कंफर्म है। दूसरा, जब भी आप कभी भी कोई प्रोडक्ट बाय करने जाते हो तो उसकी वेबसाइट को देखिए, उसकी वेबसाइट अगर flipkart.com है तो समझ लीजिए वो सही वेबसाइट है, या फिर अगर कोई फ्रॉड वेबसाइट होगी तो वो इस तरीके से festivalsale.xyz इस तरीके के डोमेन बाय करेगी, ठीक है। तो उन डोमेन पे आप कभी भी ट्रस्ट ना करें, क्योंकि वो सारी की सारी फेक वेबसाइट बनाई होती है, फ्लिपकार्ट की तरह कॉपी कर दी जाती है, और पेमेंट गेटवे ऐड करके पेमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा वो रूजर पे या फिर जो भी पेमेंट गेटवे ऐड करते हैं उनके साथ वो पेमेंट कलेक्ट करते हैं आपसे, और कुछ नहीं है, और वो पैसा कलेक्ट करके फिर वो अपने बैंक अकाउंट में ले लेते हैं, पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाते हैं, और इसके बाद ये पेमेंट इस तरीके से ये फ्रॉड करते हैं आप सभी के साथ। और इस तरीके से अगर आप देखो तो उनको रिपोर्ट मारो, ठीक है, उन लोगों को रिपोर्ट मारो, और इंस्टाग्राम को बताओ कि ये स्कैम कर रहे हैं और ये लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। मैंने रिपोर्ट बहुत ज़्यादा मार दिए कई लोगों को, ठीक है, इस तरीके से बहुत जो फ्रॉड करते हैं उनके बारे में रिपोर्ट मारता रहता हूँ। और मुझे लगता है कि जिनके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, जहाँ पर लोग फंस रहे हैं उनके ऊपर मैं वीडियो भी बनाता हूँ, और मेरा यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सावधान इंडिया नाम से, आप उसको चेकआउट जरूर करना अगर ऑनलाइन फ्रॉड से बचना चाहते हो। तो बस आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।